तो नमस्कार गाइस, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज आपके लिए मैं फिर से एक नई जॉब्स अपडेट, एक नई गाइस में 5 या 6 जॉब्स अपडेट की नोटिफिकेशन आपके साथ लेके आ चुका हूं, वो भी एक साथ। ठीक है, यहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी रहने वाली है, क्लर्क टाइपिस्ट की वैकेंसी रहने वाली गाइस, इनका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप मतलब यहाँ पर अभी आवेदन नहीं कर सकते कुछ वैकेंसियों में, कुछ में तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एक एक करके आपको चेक करा देता हूँ गाइस, कौन कौन सी वो वैकेंसी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर शो कर रही है वो आप देख सकते कंप्यूटर ऑपरेटर की, सेकंड नंबर की शो कर रही है गाइस। यहाँ पे विभाग देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग है, जनपद देख सकते हैं लखीमपुर खीरी है। ठीक है, सेकंड प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सहारनपुर के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विकास मतलब विभाग का ये पे नाम दिया है। ठीक है, अब पद नाम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लर्क या टाइपिस्ट का रहने वाला है। ठीक है, थर्ड में आपको बता दूं तो गाइस यहाँ पे वही सेम रहने वाला है, क्लर्क टाइपिस्ट यहाँ पे गाजियाबाद के लिए, विभाग उसका सेम रहेगा। ठीक है, और आगे देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का चौथा वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए गाजियाबाद, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का है। ठीक है, अगला मैं बता दूं यहाँ पे देख सकते जो अगला यहाँ पे इटावा के लिए, इटावा और कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे पद रहने वाले हैं। और अगला मैं आपको यहाँ पे बताया मैंने ये 5 वैकेंसी के बारे में आपको इसमें बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं आपको इनको 5 के बारे में, एक ही सबको सेम ही है, इसमें सबको सेम आवेदन होता है, सबके लिए सेम योग्यता रखी हुई है। सो गाइस, तो मैं आपको इसमें आवेदन करके बता देता हूँ। ठीक है, सो फाइनली आपको सेवायोजन पोर्टल के लॉग इन पेज पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ तक का लिंक डाल दूंगा कि आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी मैं यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, आपके पास हो तो यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको प्रोफाइल में लेके चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है कि अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नौकरी के लिए आवेदन करें, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सेम बेसिकली ऐसा ही आपको यहाँ पे करना है, जैसे हमने नौकरी के लिए आवेदन करने पे क्लिक किया, अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता का विकल्प चुनेंगे, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, HSC इंटरमीडिएट को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड का वेट करना है, यहाँ पे वैकेंसी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही वैकेंसी के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा था गाइस, तो आप यहाँ एक एक करके सभी को चेक कर लीजिए। मैंने पहले से इसका प्रोफाइल आपको चेक करा दिया है, आप जिसमें आवेदन करना चाहते हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद आपको रिक्ति का वितरण पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेम प्रोसेस सभी वैकेंसी के लिए रहेगा, सेम बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था योग्यता सभी के लिए सेम रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते जो सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते, केवल आपका यहाँ पे जिला चेंज हुआ है। ठीक है, जिला जनपद यानी चेंज हुआ है, और अनुभव सब बिल्कुल सेम है, योग्यता सेम, सभी सेम है इसमें। और यहाँ पे देख सकते, अब यहाँ पे आवेदन करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आवेदन करें पे क्लिक करके इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी इसी पर, यानी मैंने इस पर कर दिया, इसी प्रकार आप सभी वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा वेट कीजिए, मैंने जैसे इस पर आवेदन करें पर क्लिक किया, वैकेंसी मतलब वेबसाइट लोड ले रही है कि अब कि हमारा आवेदन हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है योर एप्लीकेशन इज सेव सक्सेसफुली, यानी हमारा आवेदन यहाँ पे सेव कर लिया गया है, हमारा आवेदन हो चुका है। इसी प्रकार आप यहाँ पे ओके कर देना, भाई हमारा आवेदन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। मैं कई वीडियो में आपको डैशबोर्ड में जाके बता देता हूँ, तो उनमें भी देख लीजिए। तो इसी प्रकार आप हर एक वैकेंसी में, आप जिसमें इच्छुक हो उसमें आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस, आपको मैंने इस 5 वैकेंसी के बारे में डिटेल बता दिया। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि गाइस आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। अब मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।